माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम बहुत ही सरल तरीके से एलसीएम निकालना सीखेंगे। ओके, नमस्ते माय डियर स्टूडेंट। आज हम गुणनखंड विधि से लघुतम समापवर्ती निकालना सीखेंगे। अब जैसा कि नाम से स्पष्ट है, लघुतम समापवर्तीय, मैं लिख देता हूं लघुतम समापवर्तीय। इंग्लिश में कहते हैं लोअर कॉमन मल्टीपल, एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुतम समापवर्तीय। जैसा कि यहां नाम से ही है, लघुतम, लघुतम मतलब सबसे छोटे से छोटा, यानी कि सबसे छोटा। समापवर्तीय समान रूप से सभी में हो, समापवर्तीय। तो अभी से हमें डिफाइन करना है, इस लघुतम समापवर्तीय को हमें डिफाइन करना है कि किस प्रकार से हम लघुतम समापवर्तीय को डिफाइन करें, और परिभाषा के आधार पे हम लघुतम समापवर्तीय कैसे ज्ञात करें। जैसा कि अब हम इसे डिफाइन करेंगे, इसके शब्द के अर्थ के आधार पे हम इसे डिफाइन करेंगे। दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुतम समापवर्तीय वह छोटी से छोटी संख्या होती है जिसमें उन संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाता है। या दूसरे शब्दों में कहें कि लघुतम समापवर्तीय वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। ये इसकी डेफिनेशन, परिभाषा है। अब इसी डेफिनेशन को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे कि अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं हम तीन, पांच और छह। ये तीन संख्या है हमारे पास है, तीन, पांच, छह का लघुतम समापवर्तीय हमें ज्ञात करना है। तीन, पांच, छह का लघुतम समापवर्तीय हमें ज्ञात करना है। तो पहले हम तीन के अपवर्तीय ज्ञात करेंगे, तीन के अपवर्तीय ज्ञात करेंगे। तीन के अपवर्तीय कौन कौन से? फिर पांच के अपवर्तीय ज्ञात करेंगे, फिर छह के अपवर्तीय ज्ञात करेंगे। अपवर्तीय को हम गुणज भी कह सकते हैं, हिंदी में कहें हम इसको तो गुणज, इसके गुणा से जन्मे। तीन के गुणा से जिनका जन्म होता है वो अपवर्तीय कहलाते हैं, गुणज, इन्हें हम गुणज भी कहते हैं। तीन के गुणा से जन्मी संख्या है, जैसे कि तीन में एक का गुणा करेंगे, तीन, तीन में दो का गुणा करेंगे, छह, तीन, तीन दुनी छह, यानी कि कहे तो एक प्रकार से हम तीन का टेबल समझो, तीन, तीन दुनी छह, तीन तियानो, तीन चौक बारह, तीनों पंजे पंद्रह, तीन छंग अठारह, तीनों सत्ते इक्कीस, तीनों अठे चौबीस, तीन नाम सत्तावीस, तीन धाम तीस, तीन धाम तीस, ने फिर आगे चलो तो तैतीस, फिर छत्तीस, फिर उनचालीस, फिर चालीस ने दो, उनचालीस ने, चालीस ने दो बयालीस, बयालीस, बयालीस के बाद में हम लेते हैं पैतालीस, पैतालीस के बाद में अड़तालीस, अड़तालीस के बाद में इक्यावन, इक्यावन के बाद में चौपन, चौपन के बाद में सत्तावन, फिर साठ, फिर तिरसठ, फिर इस तरीके से हम चलते जाएंगे, है ना, तिरसठ है, और भी संख्याएं निकलेंगी। और अब पांच के, पांच के लिखते हैं अब हम, तो पांच के आप लिखिए, पांच के अपवर्तीय हो जाएंगे आपके पांच
दस, पांच दिया पंद्रह, पांचो बीस, पचम का पच्चीस, पांच अंक तीस, पांचो सतो पैंतीस, पांचो अठो चालीस, पांच नाम पैतालीस, पांच धाम पचास, पचपन, साठ, पैंसठ और सत्तर और फिर आगे तक। अब छह के लिखते हैं तो छह कम छह, छह दुनी बारह, छह तिया अठारह, छह चौक चौबीस, छह पंजे तीस, छह छह छत्तीस, छह सात बयालीस, छह आठ अड़तालीस, छह नाम की चौपन और छह धाम साठ और ये छाछठ और ये बहत्तर। इस तरीके से हमने आपके सामने ही तीन के गुणज लिख दिए हैं, इधर पांच के गुणज लिख दिए हैं, इधर छह के गुणज लिख दिए हैं। गुणज कहो या अपवर्तीय की बात है। अब डेफिनेशन से हमें मालूम है कि लस लघुतम समापवर्तीय, यानी कि वह छोटे से छोटा गुणज है ना, जिसका जिसमें द्विगी संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाए या वह उन संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब इसमें हमें ये गुणज, ऐसा गुणज देखना है, ऐसा अपवर्तीय देखना है जो तीनों के अंदर हो, तीनों में हो वो, तो तीनों में है ऐसा गुणज आपको यहां दिख रहा होगा, तीस यहां पे आपको दिख रहा होगा, तीस और यहां पे भी आपको दिख रहा होगा तीस। तो ये देखो ये तीस आपको दिखा दोनों में, और ऐसा जो तीनों में कॉमन हो तो आप देखते हैं ये साठ आपको यहां दिख रहा है, साठ और यहां पे भी साठ और यहां पे भी साठ, तो ये साठ। और इसी प्रकार से नेक्स्ट स्टेप आप देखेंगे तो वो आपको नब्बे दिखेगा, अगर आगे तक लिखेंगे तो वो आपका नब्बे वाला आएगा और इसी प्रकार से। तो ये आपका जो मैंने निकाला है तीस साठ नब्बे, ये मैंने कॉमन जिसको हम कहें उभयनिष्ठ गुणज, यानी कि उभय निष्ठ या कॉमन गुणज या अपवर्तीय गुणज कहो या अपवर्ती कहो, अपवर्त्य है ना। अब हमने तीन निकाल लिए हैं और भी निकलेंगे। अब हमें क्या करना है कि जैसा कि हमने डेफिनेशन में आपको पहले बता दिया है, डेफिनेशन में हमने आपको बताया कि भाई छोटे से छोटा, तो छोटे से छोटा तो यहां तीस है, छोटे से छोटा यह क्या है तीस, तीस ही वह छोटे से छोटा अपवर्तीय है जो आप देख रहे हैं कि तीन से भी पूरी तरह विभाजित हो रहा है। तीन का पाड़ा अगर हम दस बार बोलेंगे तो ये दस बार इसमें पूरा पूरा भाग जाता है, अगर पांच का पाड़ा हम छह बार बोलेंगे पांच अंक तीस तो छह बार पूरा पूरा भाग जाता है, और छह का पाड़ा हम अगर पांच बार बोलेंगे पांच अंक तीस तो पूरा पूरा भाग जाता है। तो ये आपकी वो शर्त को, डेफिनेशन को सेटिस्फाइड करता है। आपकी जो डेफिनेशन है कि भाई दो या दो से अधिक संख्याओं का लस वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाती है, और तीस उन संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो रहा है, तो यह आपकी शर्त को सेटिस्फाइड कर रहा है। इसलिए तीन पांच छह का है ना, तीन पांच छह का लस लघुतम समापवर्तीय आपका तीस है, आपका लस तीस है। तो ये जो मैंने आपको लस निकालने का जो तरीका बताया है ये आपका अपवर्तीय विधि के द्वारा हमने लस निकाला है, कि अपवर्तीय या गुणज विधि के द्वारा हमने आपको लस निकालना सिखाया है। और इसमें हमें डेफिनेशन को भी हमने पूरी तरह से डेफिनेशन को आधार मान के हमने इसको निकाला, ठीक है ना। अब एक तरीका और है आपका लस निकालने का, एक तरीका और है और बहुत सरल तरीका है, वो भी आपको मैं बता देता हूं, बहुत ही सरल तरीका है लस निकालने का, वो भी हम देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं। देखिए एक और सरल तरीका जिसको हम कहते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन फैक्टर मेथड, शॉर्टकट में कहें हम फैक्टर मेथड कहें तो ज्यादा
शॉर्टकट में कह दो फैक्टर फैक्टर मेथड, गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि से भी हम लसा निकाल सकते हैं, गुणनखंड विधि से भी हम लसा निकाल सकते हैं, है ना। जैसे कि आप 3, 5 और 6 का गुणनखंड करेंगे, है ना, तो 2 से, है ना, 2 के पाड़े में 3 नहीं आते हैं, 2 के पाड़े में 5 नहीं आते, किंतु 2 के पाड़े में 6 आते हैं, तो 2 + 3 = 6। फिर 2 के बाद में आप 3 से, 3 के पाड़े में 3 एक बार आता है, 3 के पाड़े में 5 नहीं आता है, 3 = 3। अब 5 से, अब 5 से 5 = 5, आखिरी में एक एक आना चाहिए। अब ये हमारे जो है गुणनखंड हुए, है ना। अब इसको हम क्या करेंगे, इन फैक्टर का, है ना, गुणा कर लेंगे, तो लसा क्या हो जाएगा आपका, लसा हो जाएगा आपका 2 × 3 × 5, बोले तो 2 × 3 = 6 और 6 = 5 = 30। तो इस तरीके से हमने लघुतम 3, 5, 6 का लघुतम समापवर्ती निकाल के आपको दिखाया कि इस प्रकार आप लसा निकाल सकते हैं। और ये कक्षा 5वीं और 6वीं में है, और यहाँ तक कि एनसीईआरटी के कोर्स में अभी हम देख रहे हैं कि ये 10वीं में भी इस टाइप के सवाल 2 नंबर के पूछे जाते हैं। तो आपको, मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको एनी डाउट अगर होता है तो आप बिल्कुल बिना संकोच के कॉल मी, आप मुझे फोन कर सकते हैं, और आपका जो भी डाउट है मुझे आप बताइए, आपकी हेल्प के लिए हम तैयार हैं। सेल्फ स्टडी इज वेल स्टडी। मिलते हैं अगले वीडियो में।